السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. सबसे पहले मैं अपने मेज़बान मेहमान मोहतरम जनाब आगा जवाद नकवी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये मैं इस कॉन्फ्रेंस में मेरा तीसरा साल है और बलूचिस्तान से कोटा से मैं हर साल आता हूँ और मेरी ख़्वाहिश होती है कि मैं अपने जज्बात का इज़हार आपके सामने करूँ लेकिन तीसरे साल मुझे ये मौका मिला है मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा आपका और जो आपके कोयटा के नुमाइंदे हैं वो इंतहाई मेहमान नवाज़ हैं बड़ी अच्छी मेज़बानी करते हैं और मुझे हमेशा उनके साथ मोहब्बत का जो है वो मोहब्बत के साथ मुझसे मिलते हैं और मुझे हर मौके पे आगे करते हैं ये उनका बहुत बड़ा शर्फ है मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है मैंने आपके सामने क़ुरान की आयत और हदीसी मुबारक रखी है बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि मौजू से बिल्कुल अलग है लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये आयात मौजू के बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं इस वक्त ज़रूरत है कि अपना किरदार अदा करें मैं आपके सामने वो मिसाल रखना चाहता हूँ उन ममालिक के जिन ममालिकन ममालिका के ज़रिए इकतदार हासिल किया मेरी मुराद सबसे पहले उस ममलिकत की है जो एक ख़ास तबके के साथ ताल्लुक़ रहा लेकिन उसने इनकलाब इस्लामी लाकर दिखाया और आज 40 साल गुज़र चुके हैं अमन कायम है मेरी मुराद ईरान से है क्यों अमन कायम है कि एक मर्द मुजाहिद एक आलिम खड़ा हुआ था और उसने अपनी पूरी उम्मत के अंदर वो बेदारी कायम की थी कि आज तक वहाँ अमन ख़त्म नहीं हुआ दूसरी मिसाल मैं देता हूँ आपको सऊदी अरब की बहुत मुखालफत है वो भी एक ख़ास तबका था का एक तबका खड़ा हुआ और फिर बैतुल्ला जो सबका मुश्तर घर है इबादत गाह है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ह की जाए पर जा, मस्कन मदीना तैयबा, जहाँ से जिस जगह से रियासत कायम हुई है मुसलमानों की रियासत कायम हुई है उस जगह में भी एक ख़ास फिरका और एक ख़ास तबका आया था और उसने वहाँ पर अमन कायम किया की ताकत से आज तक अमन कायम है है कि नहीं है तीसरी मिसाल मेरे सामने है अफ़ग़ानिस्तान की वो छोटे मुट्ठी भर तालिब जब वो खड़े हुए हिम्मत नहीं हारे और अफ़ग़ानिस्तान में अमरीका को और अफ़गानिस्तान में रूस को शिकस्त दी और आज तालिबान हुकूमत में इकतदार में है। अब बारी आती है पाकिस्तान की पूरी अकवाम अकवाम मगरब और कुफार इकट्ठे होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशन गोई के मुताबिक के एक दस्तखान में वो इकट्ठे हो चुके हैं और आपको काट खाने के लिए वो तैयार हैं और वो इकट्ठे हो चुके हैं जो यहूद नसारा अपने आप को एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं थे आपके खिलाफ वो इकट्ठे हो चुके हैं आज गजा और फलस्तीन में और अक्सा में जो कुछ हो रहा है आज हमारी कमजोरियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और जरूरत इस बात की है ये गुलदस्ता इकट्ठा हुआ है और कई सालों से चल रहा है मैं आपको एक और एक और जगह आपकी निशानदेही करना चाहूंगा जो जमातें इसमें शिरकत नहीं कर रही हैं और जो उनके अपने मफादात हैं या उनकी जो वजूहत है जिसकी वजह से आपके साथ शरीक नहीं होना चाहते उनके पास भी जाए उनको भी अपने साथ मिलाए वक्त की जरूरत है पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है कि तमाम मसालिक मैं आपको बताऊं ये सारे के सारे उलमा इकट्ठे हो जाएं तो नबी अलैहि वसल्लम की सीरत मुकम्मल होती है इन सब से सीरत मुकम्मल होती है अगर इन सब को अलग अलग में कर दूं नबी वसल्लम की शख्सियत बिखर जाती है आपकी शख्सियत इकट्ठी होगी जब हम सब इकट्ठे होंगे फिर जाके शुक्रिया कायम होगा और फिर हम पाकिस्तान में भी इनकलाब कायम कर सकते हैं इन उलमा के जरिए जुहाल के जरिए नहीं आएगा और ना ही हमारे अलग अलग कोशिशों से आएगा मैं आपके सामने मिसाल यह भी रखना चाहता हूं इस्लाम ने कोशिश कर ली बहुत बड़ी ताकत है बहुत बड़ी ताकत है इकतदार में भी आई है और उलमा हैं, लेकिन आज सियासी करिंदों ने इस जमात को अलग कर दिया है सियासत से जजाक फिर जमात इस्लामी सराजुल हक साहब बैठे हैं कब से कोशिश कर रहे हैं इकतदार में आने की लेकिन नहीं आ सक रहे हैं क्योंकि की ताकत आपको चाहिए अब ये इतना बड़ा गुलदस्ता है यहाँ एक यकजहसी कौंसल और आगा जवाद नकवी साहब और अगर कोई और भी प्लेटफॉर्म है जो ये कोशिश कर रहा है सबको इकट्ठा होना होगा फिर जाके पाकिस्तान में इक्तदार कायम हो सकता है मेरे भाइयों ये मेरी बहुत दरीना ख्वाहिश थी कि मैं ये पैगाम आपके सामने रखूँ और आपको आलम इस्लाम आलम कुफर के ये आपके सामने रखूँ अल्लाह ताला हमें इकट्ठा इतहाद क़ायम करने की तौफीक अता फरमाए वाखुदावाना अलहदुल